फैक्ट नंबर वन, गाइस इंडिया के लोग जुगाड़ करने में बहुत माहिर होते हैं, और एक ऐसे ही जुगाड़ू कमलेश ने बिना किसी पढ़ाई और डिग्री के एक ऐसी साइकिल बना दी है जिससे किसानों की सदियों पुरानी समस्या का समाधान निकल गया है। दरअसल इस साइकिल के जरिए अब किसान खेत में कीटनाशक का छिड़काव कम टाइम में कर पाएंगे, और यही नहीं, इस साइकिल से बीज बोने के साथ साथ माल को भी ढोया जा सकेगा, यानी कि ये साइकिल 3-in-1 काम करती है। कमलेश के इस आइडिया से प्रभावित होकर लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने उन्हें 30 लाख रुपए की फंडिंग दी है। 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे, और उनकी हर मदद करने को तैयार हो गए हैं। गाइस इसे ये तो पता चली गया होगा कि कोई भी काम को करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि दिमाग और टैलेंट बहुत होता है। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ला दिया है। रूस ने तो सीमा पर करीब 1,00,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं, वहीं अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए करीबन 90 टन विस्फोटक यूक्रेन भी भेज दिए हैं, जो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि दोनों देश के बीच स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहीं यूक्रेन के मसले को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप का रूस के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। और तो और, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तबाही होगी और यूक्रेन में सिर्फ बंजर जमीन ही बचेगी। फैक्ट नंबर 3, गाइस क्या आपने कभी किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है जिसने अपने ही कस्टमर्स को खुद ही का प्रोडक्ट ना खरीदने की सलाह दे दी हो? जी हाँ गाइस, ऐसा ही एक बार पेटागोनिया नाम की कंपनी ने किया था, जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, जिसके एक एड में उनकी जैकेट का एक फोटो और टाइटल था जिसमें लिखा था डोंट बाय दिस जैकेट, क्योंकि उस जैकेट को बनाने में वॉटर वेस्टेज और CO2 इमिशन जैसे पर्यावरण के दुष्प्रभाव हो रहे थे। लेकिन साथ ही साथ इसे बनाने में पर्यावरण संरक्षण के कुछ फायदे भी बताए गए थे। पेटागोनिया की इस ईमानदारी से कस्टमर्स काफी ज्यादा इंप्रेस हुए, और मजे की बात यह है कि अचानक से पेटागोनिया की सेल कम होने की बजाय 30% तक बढ़ गई। गाइस अगर ईमानदारी से सच बोला जाए तो भी काम बन ही जाता है, तो आप भी एक बार सच बोल के देखिए। फैक्ट नंबर 4, कई लोग दूसरों से इतना जेलस और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इतना बुरा लिख जाते हैं कि जिसे पढ़ने के बाद उन्हें खुद को शर्म आ जाए। एक ऐसे ही सोशल मीडिया यूजर ने साउथ स्टार समंथा के लिए बहुत ही भद्दी टिप्पणी की। उसने लिखा कि समंथा एक डिवोर्स्ड, बर्बाद और सेकंड हैंड आइटम है जिसने 50 करोड़ टैक्स फ्री पैसा एक जेंटलमैन से लूटा है। गाइस पता नहीं क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसे ही लोग इतनी भद्दी टिप्पणी कैसे कर देते, पर समंथा ने जो जवाब दिया वो उनके लिए हमारे दिलों में सम्मान और ज्यादा बढ़ा देता है। उन्होंने उस यूजर को सिर्फ इतना जवाब दिया कि गॉड ब्लेस योर सोल। फैक्ट नंबर 5, ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का सनकपन सारी हदें पार कर चुका है, क्योंकि अब इस तानाशाह किम जोंग ने अपने देश के लोगों पर 11 दिन हंसने, शराब पीने और यहां तक कि टाइम पास तक करने पर बैन लगा दिया है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, अब नॉर्थ कोरिया में लगातार 11 दिन तक कोई हंस नहीं सकता, और उसके पीछे की वजह है फॉर्मर लीडर किम जोंग इल की 10वीं डेथ एनिवर्सरी। गाइस किसी का मरना दुख की बात है, लेकिन इस चक्कर में दूसरों को इस तरह से दुखी करना क्या आपको जायज लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। सो गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।